अभी हम पहुंचे हैं गोपी जी कचोरी वालों की शॉप पर, वहीं का वीडियो बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखना। सुबह का समय है 9 बजे का, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। ये मोबाइल बंद करना, किसके पास बज रहा है बोल दो, एक बार बोल दो। हाँ अभी हम पहुंचे हैं गोपी जी कचोरी वालों की शॉप पर, इनके यहाँ मिलती है पनीर पुदीना समोसा, पनीर कोफ्ता स्पेशल, प्याज कचौरी, पनीर मिर्ची बड़ा, पनीर ब्रेड पकौड़ा। ये घटा रखा आपने, हम क्या करें बताओ, लगाओ करो ढंग से। ये देखिए रेगुलर चाय, बड़ा बादामी कुल्हड़ चाय, नमकीन वगैरह सभी चीज़ें तैयार करते हैं गोपी कचौरी वाले। अभी दुकान के ओनर से भी बात करेंगे। नमस्कार गुजर साहब, क्या नाम है आपका? काना। काना जी कब से है शॉप आपकी यहाँ? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या क्या मुख्य रूप से क्या क्या आइटम तैयार करते हैं आप? ये आपका तो सिस्टम ही बहुत अलग है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिए ये किस चीज़ की चटनी है? ये लहसुन की चटनी, ये हरी चटनी, ये इमली की चटनी, इमली की चटनी है, ये देसी घी की जलेबियाँ हैं, ये क्या है? ये कमन ढोकले, कमन ढोकले, ये बेसन की चक्की है, और ये देखिए समोसे तैयार किए जा रहे हैं। तेल देखिए कितना साफ है। अभी तेल गरम होगा, उसके बाद समोसे फ्राई होंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए क्या शानदार समोसों का मसाला है, आलू है, प्याज है, मटर है, हरा धनिया है, और क्या क्या डाला हुआ है भैया? प्याज नहीं है, ओनली मटर और आलू है। प्याज नहीं डालते? प्याज नहीं डालते समोसे में। मीठा नीम है? है? मीठा नीम, मीठा नीम नहीं, पुदीना डालते, पुदीना। हाँ ये देखिए समोसे कितने शानदार तैयार हुए। ये फ्राई होने के बाद कितने रुपए का एक समोसा देते हो? 15 का। 15 रुपए, साथ में चटनी वगैरह कड़ी भी है क्या? चटनी रखते हैं, कड़ी भी। 3 चटनी है इधर, 3 चटनी है इधर, कड़ी के साथ है। कड़ी के साथ तो उधर वाली जगह में बना के लेके आया वीडियो। ये देखिए सुबह का समय है, ये चटनी देख बना चुके। ये देखिए देसी घी की करारी जलेबी है, इसकी रेट है 350 रुपये के जी। ये बर्फी क्या भाव दे रहे हो? 240 रुपये के जी। इनका कचौरी वगैरह रखने का तरीका देखिए कितना शानदार है, साफ सफाई का विशेष ध्यान है। पत्तल डोने लगाकर उसमें रखते हैं, ग्राहक की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। अभी समोसे तैयार होंगे, ये देखिए तेल गरम हो गया है। एक बार में कितने समोसे इसमें तैयार हो जाते हैं भैया? 150 समोसे लगभग 10-15 मिनट में हो जाते होंगे तैयार। हाँ 20-21 मिनट में, 30 मिनट लगती, आधा घंटा मंदी आंच पर सिकाई होती है। बाकी ले लो और बनी कैसे? वो भी लेंगे। क्योंकि विनी की नहीं, नहीं वो तो है ही साहब, विनी की वजह से चल रही है। मैं मंगला का के करके आता हूँ मैं। रहने वाले कहाँ के हो आप? डिग्गी। डिग्गी, डिग्गी मालपुरा। हाँ डिग्गी कल्याण जी महाराज। हाँ हाँ जिला अलवर नहीं, जिला टोंक टोंक पड़ता है क्या?
ये देखिए समोसे तैयार होंगे, लगभग आधा घंटा लगेगा। ये देखिए गोविंद देव जी की कृपा से बता रहे हैं, हमारी शॉप चलती है। ये देखिए रायते के लिए बूंदी वगैरह, ये मिर्ची बड़ा के लिए तैयार हो रही है मिर्चियाँ, मिर्ची बड़ा के लिए मिर्चियाँ तैयार हो रही है। ये देखिए सुबह का समय है, 9:10 का ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल एकदम से समोसे कचौरी है, मिर्ची बड़ा है, सबको पतलों के अंदर छबड़ी है, पुरानी टाइप की जो होती थी लकड़ी की, राजस्थानी छबड़ी है, उसके अंदर पैक करके रखते हैं। बहुत ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 3 तरीके की चटनी दे रहे हैं, जो चटनी इनकी स्वादिष्ट है उसी के लिए इनकी शॉप पर मिर्ची बड़ा है, समोसा है, कचौरी वगैरह खाने के लिए कस्टमर आ रहे हैं। एक बार जो इनकी मिर्ची बड़ा कचौरी समोसा टेस्ट कर लेता है वो बार बार इनकी शॉप पर खाने के लिए आते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भैया कब से आ रहे हो इनकी शॉप पर? आज हो गए 10-11 साल हो गए। क्या क्या आइटम आपको इनको सबसे ज्यादा पसंद है? कचौरी बड़ा, कचौरी, चटनी कौन सी अच्छी लगती है आपको? तीनों ही अच्छी लगती है। ये देखिए इधर ये टेस्ट। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, कैसा कचौरी का टेस्ट इनका? कितने पैसे में दी है? 15 रुपए में दी है। 3 तरीके की चटनी डाल के दी है। ये देखिए करारी जलेबियां देसी घी की, ये समोसे फ्राई हो रहे हैं, इनको फ्राई होने में कम से कम 30 मिनट लगते बता रहे हैं। भरत सिंह ब्लॉग। अभी मिर्ची बड़ों की तैयारी हो रही है, मिर्चियां काटी जा रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। इनकी मिर्ची बड़ा, कचौरी, समोसा, 3 तरीके की चटनी, देसी घी की जलेबियाँ, बेसन की चक्की वगैरह का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताना।